नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSPF मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से होते हैं। वैसे तो मल्टी एरिया जहां पे कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, तो सबसे पहले आपको मैं डिटेल बता दूँ कि जब बड़े नेटवर्क्स बनते हैं वहीं पर जो है मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। छोटे नेटवर्क्स में जो है मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारा कंप्लीट नेटवर्क जो है आप सिंगल एरिया ज़ीरो में जो है चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी अपन ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें जो है किस तरह से मल्टी एरिया जो है वो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो मैं आपको आज प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपके सामने जो है स्क्रीन है, हम आ गए हैं हमारे पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे जो है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से तीन राउटर ले लेता हूँ। तो राउटर शॉर्ट में मैं ये जो वीडियो आपको समझा दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो ये मैंने ये तीन राउटर ले लिए हैं। अब तीनों राउटर्स का क्या है कि सबसे पहले मैं इनको एक काम करता हूँ, आईपी एड्रेस बता देता हूँ कि किसको क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस जो है वो देने वाला हूँ 10.0.0.1, और फिर यहाँ पे जो है इस नोड पे देंगे हम 10.0.0.2, और इस नोड पे देंगे हम जो है 20.0.0.2, और यहाँ पे हम दे देंगे 20.0.0.1। तो ये आईपी एड्रेस जो है हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो एरिया है इसको हम एरिया वन के अंदर डालने वाले हैं, और इसको जो है एरिया ज़ीरो के अंदर डालने वाले हैं। सो ऐसा करने पे, एक मिनट मैं आप इसको ज़रा उठा के यहाँ रख देता हूँ, ये एरिया वन में डालने वाले हैं और ये जो है एरिया ज़ीरो में डालेंगे। तो ये जो राउटर है वो हमारा बॉर्डर राउटर जो है वो कहलाएगा, जिसको कहते हैं हम ABR, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर। क्योंकि यहाँ पे अगर एरिया की बात करूँ तो ये ज़ीरो में भी कॉन्फ़िगर होगा, और यहीं पे जो है एरिया वन के अंदर भी ये कॉन्फ़िगर होगा। वो कैसे, चलिए अभी इसको ज़रा एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये राउटर्स पे जाके मैं जो है इसको मॉड्यूल लगाता हूँ, हम सीरियल पोर्ट पे जो है इसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो मैं ज़रा ये कार्ड लगा लग के इसको करते हैं ऑन, और इसी तरह जो है बाकी राउटर्स को भी मैं कर देता हूँ। ये ऑफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्ड लगाते हैं राउटर्स के अंदर तो ऑफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, क्योंकि कार्ड लगाने से अगर डायरेक्ट पावर ऑन में जो अगर कार्ड लगा देंगे तो वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमने जो कार्ड इंस्टॉल कर लिए हैं, अभी जो है इसको हम एक बार कनेक्ट कर देते हैं। सीरियल 01 से 00 से 01 को देता हूँ, और यहाँ पर वापस 00 से जो है 01 को जो है कॉन्फ़िगर कनेक्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि जो ये जो आईपी एड्रेस है वो किस तरह से मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो ये वाले पोर्ट पे ये वाला आईपी एड्रेस आएगा, और ये वाले पोर्ट पे जो है ये वाला आईपी एड्रेस आएगा, और इस पोर्ट पे ये आईपी एड्रेस आएगा, और ये इस पोर्ट पे जो है ये वाला आईपी एड्रेस आने वाला है। तो चलिए जल्दी से, सबसे पहले तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है हमें ये अभी एरिया का नहीं, पहले मैं इसको जो है पोर्ट्स को जो आईपी एड्रेस देने हैं वो ज़रा मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, और यहाँ पे जो है मुझे लिखना है इंटरफेस S0/0, और यहाँ पे देना है आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस है हमारा 10.0.0.1 है, राइट जी, 1 है, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, और यहाँ पे लिखना है नो शट। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखे जाता हूँ, इस तरफ जो है हमारा क्लॉक रेट जो है वो हमें डिफ़ाइन करना है। तो क्लॉक रेट डिफ़ाइन करने के लिए चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉक रेट। क्लॉक रेट अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने सारे क्लॉक रेट हैं जो आप कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं 6400 जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो मैंने अभी 64,000 कर दिया, और ये एंटर कर दिया,
और ये मेरा जो है कॉन्फिगर हो गया है। तो यहाँ से मैं करता हूँ एग्ज़िट और इस पर चलता हूँ। इस पर जाके जो है वापस से आईपी एड्रेस देता हूँ, सीएलआई मोड पे चलते हैं, नो करते हैं, एनेबल मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस S0/1, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस यहाँ पे हमें देना है 10.0.0.2, सबनेट मास्क दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नो शट। और यहाँ पे जो है अभी हमें क्लॉक रेट इस तरफ नहीं डिफाइन करना है, जैसे हमने नो शट किया तो ये हमारे ग्रीन हो गए, तो इसका मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सही है। अभी दूसरा वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इंटरफेस S0/0। सो यहाँ पे देना है आईपी एड्रेस और यहाँ पे लिखना है हमने 20.0 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 और उसका सबनेट मास्क दे देते हैं। और उसके बाद जो है इसको हम करते हैं नो शट। और यहाँ पर भी जो है हमने क्लॉक रेट डिफाइन करना है, क्लॉक रेट सेम वहीं पे जो किया वो उतना ही हम यहाँ पे भी करेंगे। और ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अभी जो है इसको भी आईपी जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं, पहले उसके इंटरफेस पोर्ट को। सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये कर दिया, एनेबल मोड पे गए और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए और यहाँ पे इंटरफेस S0/1 आईपी एड्रेस और यहाँ पे डालना है 20.0.0.1 और सबनेट मास्क दे देते हैं। और अभी हमारा जो है यहाँ पे लिखना है नो शट। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। तो ये हो गया हमारा आईपी जो हमने देने थे, दे दिए। अभी जो है हमें यहाँ पे OSPF मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशंस करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जाते हैं ग्लोबल एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, शो आईपी राउट करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ भी OSPF वगैरह कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब कोई भी इस पर प्रोटोकॉल जो है अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। तो चलिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और यहाँ पे ले आके हमने लिखना है राउटर और OSPF और फिर प्रोसेस आईडी हम देते हैं 11 और यहाँ पे लिखना है नेटवर्क और हमें आईडी देनी है 10.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और इसको डालना है हमने एरिया ज़ीरो के अंदर डालना है इसको। तो ये हमने एरिया ज़ीरो के अंदर डाल दिया इसको और जो है इससे बाहर आ जाते हैं। और अभी चलते हैं हमारे सेकंड राउटर पे और यहाँ पे जो है हम जाके इसमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 12 दे देते हैं। यहाँ पे देख देते हैं नेटवर्क 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क इसका जो है 0.255.255.255 और इसको भी हम जो है एरिया ज़ीरो में कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सेम वे जो है अभी हमें नेटवर्क में जाना है और यहाँ पे जो हमारा दूसरा, ये देखिए अभी जो एक मैसेज आया हमें, वो ये मैसेज आया कि जो इसकी नेबर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बन चुकी है, यानी कि नेबर रिलेशनशिप जो है वो बन चुका है। तो वही जो है यहाँ पे हमें देखा, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं नेटवर्क। और इसके बाद हमने 20.0.0.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और इसको हमने डालना है एरिया वन के अंदर। सो ये हमारा एरिया वन में डल गया। अब इसको करते हैं क्लोज और ये हम चले गए यहाँ पे तीसरे राउटर पे और यहाँ जाके भी हम जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के मोड के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक हम करते हैं पहले बाहर आके फिर वापस चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और यहाँ पे जो है हमने लिखना है राउटर OSPF और उसके बाद आईडी जो है हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने नेटवर्क 20.0.0.0 और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और इसको भी जो है हमने एरिया वन के अंदर कॉन्फ़िगर
कर देना है। सो एरिया वन के अंदर ये भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसके बाद जो है हमें एक काम करते हैं, इसका भी देखिए यहाँ पे भी हमें मैसेज मिल चुका है कि इसका जो नेबर के साथ जो कनेक्टिविटी है, नेबर के साथ रिलेशन्स हैं, वो बन चुके हैं। सो चलिए अभी देखते हैं कि मल्टी एरिया नेटवर्क जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बराबर का हुआ है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, शो IP OSPF नेबर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सब पा रहे हैं कि इसका आईडी आ रहा है और यहाँ पे स्टेट जो है फुल, यानी कि ये प्रॉपरली हमारा जो है नेबर है वो हेल्दी स्टेट में है, उसके साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बराबर बन चुकी है। सो अभी जो है हमें यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे लिखते हैं शो आईपी राउट और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे OSPF यानी कि OSPF की वजह से जो ये पूरा उसको मिला है, नेटवर्क कनेक्टिविटी मिली है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ देखने को मिल रही है, OSPF के सामने जो प्रोटोकॉल के सामने जो है IA लिख के आ रहा है। IA का मतलब है OSPF इंटर एरिया। अब यहाँ पे 10.0.0.0 का जो है उसको मिला है, वो कहाँ पे मिला है, ये वाला नेटवर्क मिला है। तो यानी कि एंटर नेटवर्क, यानी कि ये जो नेटवर्क है वो इस एरिया में नहीं है जिसमें ये राउटर कनेक्टेड है, वो दूसरे एरिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे अभी इस राउटर को दिखा, अभी चलते हैं इस राउटर को देखते हैं। यहाँ पर भी मैं वही सेम कमांड चला के दिखाता हूँ आपको, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे फुल स्टेट में दिखा रहा है, अभी शो आईपी राउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए जो वहाँ पे 10 वाला जो नेटवर्क था वो जो है इंटर एरिया नेटवर्क में दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे जो है इंटर एरिया में जो है वो कौन सा दिखा रहा है, 20 वाला जो नेटवर्क है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो अभी चलते हैं फाइनली ये जो है राउटर सेंटर में जो है इसको देख लेते हैं, इसमें अंदर क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको 20 और 1 जो है दोनों ही नेटवर्क इसके कनेक्टेड हैं, दोनों के साथ इसकी रिलेशनशिप जो हेल्दी बनी हुई है। अभी जो है हम यहाँ पे लिखते हैं शो आईपी राउट, सो राउट करके हम जो है करते हैं एंटर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे जो है दोनों ही नेटवर्क, चाहे वो 10 वाला नेटवर्क है चाहे वो 20 वाला नेटवर्क है, वो दोनों ही यहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिखा रहा है और इसके आगे कोई भी AI जो है वो नहीं लगा हुआ। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो राउटर है वो दोनों ही नेटवर्क में अवेलेबल है। तो इसके लिए 10 वाला नेटवर्क है वो भी इसके लिए एज अ लोकल कनेक्टिविटी है, और 20 वाला नेटवर्क भी डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसको डायरेक्टली जो इतने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं तो वो जो है एज अ ABR एक्ट कर रहा है, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर जो है ये अभी काउंट शो कर रहा है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये मल्टी एरिया जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो किस तरह से होते हैं वो आपको समझ में आई गई होगी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे राउटर्स में आपको जो है मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया है ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ सके। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट लिखना ना भूलें या फिर ईमेल कर सकते हैं, ताकि मैं इसको आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।